तो जय हिंद मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग और स्वागत है आपका बिहार के मधुबनी जिले के झंझारपुर रेलवे स्टेशन पे। और हम लोग आ चुके हैं आज झंझारपुर रेलवे स्टेशन पे और आज का दिन झंझारपुर के लोगों के लिए बहुत ऐतिहासिक होने वाला है क्योंकि आज 7 मई 2022 से यहाँ से और सहरसा के लिए लोगों की वर्षों पुरानी मांग थी वो पूरी होने जा रही है। क्योंकि आज से लगभग 88 साल पहले जब 1934 में भूकंप आया था उसकी वजह से मिथिला और कोसी नदी पर जो बना पुल था वो मतलब बह गया था पानी में, उसके वजह से मिथिलांचल दो अलग अलग भागों में गया था जिसके वजह से यहाँ के लोग अलग अलग हो गए थे। तो आज का क्षण मिथिला और मिथिलांचल के लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है क्योंकि आज यहाँ से सहरसा के लिए अपनी ट्रेन चालू होने जा रही है। तो चलते हैं स्टेशन के अंदर और दिखाते हैं अंदर का आपको कैसे उद्घाटन क्या हो रहा है। तो चलिए स्टेशन के अंदर। तो हम लोग आ चुके हैं स्टेशन के अंदर और देख सकते हैं स्टेशन के अंदर एकदम मिथिला पेंटिंग से सजाया गया है स्टेशन को। और ये स्टेशन के अंदर का नज़ारा जहाँ से आप टिकट लेके ऊपर को जा सकते हैं और अपने ट्रेन की यात्रा कर सकते हैं। आ चुके हैं झंझारपुर के रेलवे के प्लेटफार्म नंबर 1 पे और आप यहाँ देख सकते हैं मंच कैसे बना हुआ है और यहाँ उद्घाटन की तैयारी चल रही है। देख लीजिए मंच से अपने मंत्रीगण नेतागण बोल रहे हैं। रेलवे के मंत्री अश्विनी वैष्णव जी अपने ट्रेन का भी उद्घाटन करने वाले हैं। तो देख सकते हैं लोगों की भीड़ खचाखच लगी हुई है और यहाँ पे उद्घाटन का कार्यक्रम चल रहा है। तो आइए देखते हैं ये लगी है अपनी ट्रेन और चारों तरफ देखिए पब्लिक कैसे भीड़ खड़ी है और लोग काफ़ी उत्साहित है इस ट्रेन के चालू होने से। तो हम लोग आ चुके हैं झंझारपुर रेलवे स्टेशन पर और आप हमारे पीछे देख सकते हैं झंझारपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 1 पे अपनी ट्रेन लगी हुई है। तो आप देख सकते हैं इसका कितना आकर्षक और भव्य नज़ारा, दुल्हन की तरह सजाया गया है इस ट्रेन को। तो दोस्तों आज के क्षण ने रेलवे के लिए और यहाँ के झंझारपुर के लोगों के लिए काफ़ी गर्व का बात है, गर्व का क्षण है क्योंकि आज से यहीं अपना ट्रेन शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों माननीय श्री अश्विनी वैष्णव जी ने अपने ट्रेन को हरी झंडी दिखा दी है और अपनी ट्रेन निकल चुकी है झंझारपुर रेलवे स्टेशन से। तो देखते हैं इसका भव्य नज़ारा। सवारी गाड़ी संचालन के शुभारंभ के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। मैं माननीय ऊर्जा योजना एवं विकास मंत्री बिहार सरकार श्री विजेंद्र प्रसाद यादव, माननीय परिवहन मंत्री बिहार सरकार श्रीमती शीला मंडल, माननीय सांसद झंझारपुर श्री रामकृष्ण मंडल जी, माननीय सांसद सुपौल श्री दिनेश कामत जी, माननीय सांसद मधेपुरा श्री गिरीश चंद्र यादव जी, माननीय विधायक झंझारपुर श्री दोस्तों। तो देख सकते हैं दोस्तों लोग कितने उत्साहित हैं यहाँ पे झंझारपुर से चलने के बाद, लोग कितने खुश हैं। तो दोस्तों झंझारपुर से अपनी ट्रेन निकल चुकी है और आप देख सकते हैं ट्रेन को काफ़ी कितना बढ़िया आकर्षक सजाया गया है और चारों तरफ बैलून उड़ उड़ के यहाँ से निकल रहे हैं। तो चलते हैं, मिलेंगे इसके अगले स्टेशन पे। और इस ट्रेन की बात करें तो इस ट्रेन को आज स्पेशल ट्रायल के तौर पर चलाया गया है, मतलब स्पेशल ट्रेन के तौर पर। और कल से अपनी इस ट्रेन को 3 जोड़ी ट्रेन कल से डेली चलाई जाएगी। तो कल से आम पब्लिक के लिए इसमें सफ़र करने का बढ़िया मौका रहेगा क्योंकि झंझारपुर के लोगों के लिए काफ़ी आकर्षक और बढ़िया रहेगा लोगों को जर्नी करने के लिए। और यहाँ पे देख सकते हैं मिथिला दीप फॉल्ट
और लोग यहाँ पे कितने उत्साहित हैं, आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा। लोग कितने खुश हैं और उत्साहित हैं और चारों तरफ वीडियो बना रहे हैं। लोगों का उत्साह आप देख सकते हैं, एकदम आ चुके हैं अपने सहरसा दरभंगा ट्रेन के पहले हॉल्ट पे, और यह है इसका पहला हॉल्ट मिथिला दीप हॉल्ट। तो यहाँ के लोग आप देखेंगे कितना खुश थे। तो चलते हैं, 2 मिनट रुकने के बाद यहाँ अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है और मिलते हैं इसके नेक्स्ट स्टॉपेज पे। हमारे जर्नी में हमारे साथ एक बाबा जी मिले हैं और ये बताएंगे कि इस ट्रेन को चालू होने से लोगों को कितना फ़ायदा हो रहा है और लोगों को कैसा लग रहा है। तो आइए बाबा जी से राय लेते हैं, बताइए कुछ ट्रेन के बारे में। सबसे बड़ा खुशी का माहौल है, ये 84 साल के बाद जी ये नई एक लाइन जुड़ी है जी जी, जो बिहार का मिथिलावासी बहुत बहुत धन्यवाद का पात्र देते हैं अश्नवी वैष्णव जी का जी, और माननीय श्री नीतीश कुमार जी ने इस पे पहल किया जी, नरेंद्र मोदी जी ने काम किया जी, और सबसे पहला नींव रखा हुआ है श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जी जी जी। तो इसलिए आपको, इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ, आप मीडिया के बड़ा बड़ा लाख धन्यवाद का पात्र हैं जो आप लोग इतने इतने दूर से आके इतनी बिहार मिथिलावासी के लिए आप बहुत कष्ट उठाए हैं, इसके लिए लाख लाख धन्यवाद है आप लोगों का जी, जो एक संत महात्मा आपको ये चीज़ को हकीकत बताएगा। हमें कोई लोभ लालच नहीं, 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 नहीं है, हम एक साधक हैं, एक तपस्वी हैं, शिव शक्ति साधक हैं, राम जीवन का मत नाम है मेरा। लेकिन मैं यहाँ का खुशहाल, ये रेल ट्रेन सेवा चालू होने से बहुत जनता ही देख रहे हैं आप, जो हर तरफ पूरे जनता में खुशी का माहौल है, खुशी का माहौल है, इसलिए उनको लाख लाख धन्यवाद देते हैं जो कम से कम इतना बड़ा काम सौगात दिए हैं, मिथिलावासी को जोड़ने का काम किए हैं। जो भारत में सबसे ऐसा ही सोच होना चाहिए हर एक नेता को, जो कम से कम हर विभाग को ध्यान रखे, ये हमारी सोच है, ये आप लोगों संदेश इसको हर जगह पहुंचना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि महाराज जी इस ट्रेन के चालू होने से कितना खुश हैं, और सभी मतलब जो नेता और यहाँ के जो सांसद हैं जो चालू करवाई ट्रेन, उनको बहुत सारा धन्यवाद दे रहे हैं। और सबसे बड़ा धन्यवाद माननीय अपने अटल बिहारी वाजपेयी जी का है, जिन्होंने इसकी नींव रखी थी। तो मिथिलांचल के लिए ये आज बहुत ऐतिहासिक दिन है कि आज से लगभग 88 साल पहले 1934 के भूकंप में जो अपना पुल बह गया था उसको बना के रेलवे और सरकार ने एक बहुत अच्छा काम किया है। तो इसीलिए दोनों मिथिलांचल वासियों को एक दूसरे को जोड़ के लोग बहुत खुश हैं और एक दूसरे जगह आ जा सकते हैं। तो चलिए महाराज जी का हम धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने अपनी इतनी बढ़िया बात कही, इतनी अच्छी राय रखी, इसके लिए बहुत बहुत हम उनका आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद। जय हो। तो दोस्तों झंझारपुर से चलने के बाद हम आ चुके हैं अपने दूसरे स्टॉपेज तमुरिया रेलवे स्टेशन पे, और देख सकते हैं यहाँ के लोग कितने उत्साहित हैं, उमंग हैं, कितने ज़ोर शोर से खुश हैं और ट्रेन में चढ़ने के लिए बेताब हैं। तो आपने देखा यहाँ का नज़ारा, लोग इस रूट पे इस ट्रेन को देख के खुश हैं, उनकी खुशी का ठिकाना आप नहीं लगा सकते हैं कि लोग कितने खुश हैं सकते हैं दोस्तों, कि लोगों को इतना खुश देख के हम लोगों को भी कितना खुश होता है और आप लोगों को भी कितने खुशी का एहसास होता होगा आप समझ ही सकते हैं।
तो चलिए ट्रेन ने अपनी हॉकिंग दे दी है और चलते हैं यहाँ से अपने अगले स्टॉपेज की तरफ। हम कन्या के हल्ला करे चलू जो अपने कत मारे बम्मा मारे यहाँ पे लोगों की भीड़ देख सकते हैं, लोग कितने एक्साइटेड हैं, आप समझ सकते हैं दोस्तों कि बैंड बाजे के साथ अपने ट्रेन का स्वागत हो रहा है और हम आपको दिखा नहीं सकते इतना भीड़ है। जिंदाबाद।
चलने के बाद हम आ चुके हैं अपने तीसरे स्टॉप पे घोघाडीहा रेलवे स्टेशन पे। और आप लोगों ने देखा कि इस कदर लोगों में उत्साह इतना ज़्यादा था कि लोग बैंड बाजे के साथ अपने ट्रेन का स्वागत कर रहे थे और इनका उत्साह और उमंग देखते ही बन रहा था। हम आपको बयान नहीं कर सकते हैं शब्दों में कि लोग यहाँ के कितने खुश हैं और लोग अश्विनी वैष्णव के जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। और लोगों को देख सकते हैं ये भीड़ हमारे पीछे और चारों तरफ लोग बैंड बाजा और हर हर गंगे हर हर महादेव का नारा लगा रहे हैं और अश्विनी वैष्णव जी का धन्यवाद कर रहे हैं। ट्रेन रुकने के बाद घोघाडीहा रेलवे स्टेशन से अपने ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है तो यहाँ पे लोगों की भीड़ देख सकते हैं लोग कितने उत्साहित हैं और हम आपको शब्दों में नहीं बयां कर सकते हैं इतना उत्साहित और उमंग है कि लोग बिना टिकट लिए इस ट्रेन में चढ़ जा रहे हैं। बोल रहे हैं आज के दिन आज पूरा रेलवे का फ्री है। नागपुर से चलने के बाद हम आ चुके हैं अपने चौथे स्टॉपेज निर्मली स्टेशन पे और निर्मली स्टेशन का देख सकते हैं लोगों की भीड़ और उत्साह यहाँ भी देखते ही बन रहा है। तो ये हमारे पीछे देख सकते हैं लोग कितने ज़्यादा काफ़ी मात्रा में आए हैं यहाँ देखने के लिए ट्रेन। इतने सालों बाद यहाँ पे ट्रेन आ रही है और लोगों को कितना अच्छा लग रहा है और लोग इसमें चढ़ चढ़ के देख रहे हैं। एक बार बैक कमरे से आपको दिखा दे रहे हैं लोगों का भीड़ और उत्साह यहाँ पे इतना ही ज़्यादा है कि लोग यहाँ देख सकते हैं चारों तरफ भीड़ ही भीड़ नज़र आ रहा है। तो देख रहे हैं दादाजी अपने कितने खुश हैं और खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे हैं। तो 2 मिनट रुकने के बाद अपने ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है निर्मली स्टेशन से और यहाँ पे लोगों का भीड़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं आप कि लोग कितने उत्साहित हैं। और दोस्तों देख सकते हैं लोगों की भीड़ ज़बरदस्त। तो दोस्तों निर्मली से अपने ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है और देख सकते हैं यहाँ के लोग पब्लिक कितने ज़्यादा खुश हैं उत्साहित हैं। और इसके आगे हम मिलेंगे कोसी के उस पुल पे जिसके कारण इस ट्रेन को इतना देर इंतज़ार करना पड़ा और इतने सालों बाद इस ट्रेन सेवा शुरू हुई। तो चलिए उस पुल का नज़ारा आपको दिखाते हैं और ये देखिए निर्मली। और अपनी ट्रेन को देखिए दोस्तों कितना शानदार कर्व लेते हुए।
हम आ चुके हैं आसनपुर कुपहा रेलवे स्टेशन पर, यानी अपने पाँचवें स्टॉपेज पे, और ट्रेन का लगभग यहाँ पे एक मिनट का भी हाल्ट नहीं होगा, और यहाँ से अपनी ट्रेन हॉकिंग दे दिया और निकल रही है। तो चलते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट स्टॉपेज पे। तो आसनपुर कुपहा से अपने ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है। तो दोस्तों, यही है कोसी का वो पुल जिसकी वजह से मिथिला के लोगों को लगभग 88 वर्षों तक इस ट्रेन का इंतज़ार करना पड़ा, जो रेलवे ने जाकर अब इसको तैयार किया है। तो मिथिला के लोगों को एक दूसरे से जुड़ने में आसानी हुई है। 1934 में आए विनाशकारी भूकंप के बाद इस पुल बह गया था, और इसके बाद मिथिला दो भागों में बट गया था, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी हुई। तो दोस्तों, झंझारपुर से हम अपने पांचवें स्टॉपेज सरायगढ़ जंक्शन पे आ चुके हैं। सरायगढ़ मतलब ठीक ठाक स्टेशन है, और यहाँ पे लोगों की भीड़ कम है, लेकिन फिर भी लोगों में उत्साह दिख रहा है काफ़ी मात्रा में। चलते हैं, देखते हैं क्या है यहाँ का नज़ारा। तो सरायगढ़ जंक्शन पॉइंट इसलिए क्योंकि यहाँ से एक लाइन फारबिसगंज को जाती है, और एक लाइन जिधर से हम आ रहे हैं उसी डायरेक्शन में रिवर्सल होके अपनी ट्रेन सुपौल होके सहरसा को चली जाएगी, इसीलिए सरायगढ़ जंक्शन पॉइंट है। और फारबिसगंज जो लाइन अभी उसका मरम्मत चल रहा है, मेंटेनेंस चल रहा है, तो जल्द ही उसको भी चालू किया जाएगा। तो उसके लिए फिर एक नई ट्रेन उद्घाटन होगी, नई जर्नी होगी। तो चलते हैं, यही है सरायगढ़ का इतिहास। नहीं हो सकता है संभव, वह संभव करके अटल बिहारी वाजपेयी ने कर दिया है, और शिला मंडल ने आज उसका उद्घाटन करके उन्होंने प्रचलन कर दिया और महासेतु को पार करवाया है। उसके लिए भी हम सर धन्यवाद देते हैं शिला मंडल जी को। हार्दिक हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो दोस्तों, सरायगढ़ से अपने ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है, और ये देख सकते हैं सरायगढ़ रेलवे स्टेशन का नज़ारा। और यहाँ भी काफ़ी ज़ोरों शोरों से काम चल रहा है, और आने वाले समय में फारबिसगंज लाइन जब चालू हो जाएगी तो आपको एक बढ़िया स्टेशन है देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए लाइन चारों ओर से बन रहा है। सरायगढ़ जंक्शन, झंझारपुर से सरायगढ़ क्रॉस करने के बाद हम लोग आ चुके हैं थरबिटी अपने सातवें स्टॉपेज पे, और टोटल 2 मिनट का यहाँ पे स्टॉपेज है। और यहाँ पे लोगों को देख सकते हैं कितने उत्साहित हैं, उमंगी है, और लोग लाइन से खड़े हैं अपने ट्रेन के स्वागत के लिए। काफ़ी वर्षों बाद यहाँ पे लोग ट्रेन देख रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं लोगों का मेला लगा हुआ है ट्रेन को देखने के लिए, क्योंकि काफ़ी वर्षों बाद इन्होंने ट्रेन को देखा है। तो ये रात थरबिटिया का मेन जंक्शन,
और यहाँ से अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है। मिलते हैं इसके नेक्स्ट स्टॉपेज सुपौल पे। भाई ये स्टेशन काफ़ी पुराना हो गया है। झंझारपुर के बाद सरायगढ़ क्रॉस करके हम लोग अपने सातवें स्टॉपेज सुपौल स्टेशन आ चुके हैं और सुपौल पे टोटल 2 मिनट का स्टॉपेज है और यहाँ पर भी लोगों की काफ़ी भीड़ है और लोग काफ़ी उत्साहित हैं। तो सुपौल अपना ठीक ठाक रेलवे स्टेशन ही है और ये हमारे पीछे देख सकते हैं सुपौल का स्टेशन और आप पीछे नज़ारा देख सकते हैं। तो दोस्तों 2 मिनट रुकने के बाद सुपौल से ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है। तो मिलते हैं इसके सीधे अगले नेक्स्ट स्टॉपेज सहरसा जंक्शन पे। तब तक आप जर्नी का एंजॉय लेते रहिए। काफ़ी वर्षों बाद यहाँ के लोग काफ़ी खुश दिख रहे हैं क्योंकि रेलवे ने उनकी इच्छाओं को पूरा कर दिया है और मिथिलांचल के 2 बटे हुए भागों को आपस में जोड़ने का काम किया है। इसीलिए लोग यहाँ पे काफ़ी खुश और उत्साहित हैं। बाय बाय सुपौल, मिलेंगे फिर कभी। आएगा आएगा वीडियो में। तो दोस्तों इसी के साथ अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है सहरसा जंक्शन के प्लेटफार्म नंबर 5 पे। तो सहरसा जंक्शन का यह है प्लेटफार्म नंबर 5। आप देख सकते हैं सहरसा स्टेशन का नज़ारा काफ़ी साफ सुथरा और शांति प्रिय स्टेशन है। तो दोस्तों शाम के 6 बज चुके हैं और हमारी ट्रेन आ चुकी है अपने लास्ट स्टॉपेज सहरसा जंक्शन पे। तो यहीं पे हम अपनी जर्नी का एंड करते हैं और मिलेंगे किसी नेक्स्ट जर्नी में। तब तक लिए जय हिंद जय भारत और जर्नी देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए। हर हर महादेव।